हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले एक और नई जॉब अपडेट के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना, एक लाइक जरूर से कर देना। एनीवेज अपडेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अपडेट रहने वाली है वो एक्सेंचर कंपनी से रहने वाली है और यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है वो पैकेज ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट की रहने वाली है। एंड देन यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास 11th मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन आपकी एनुअल सैलरी की बात करें तो 4,60,700 यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि ये एनुअल रहने वाली है। बाकी मंथली आप काउंट कर लेना कितना हो रहा है। और यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करें कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन रहने वाली है, जहाँ पे बेंगलुर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर और कोयम्बटूर रहने वाली है। तो मल्टीपल लोकेशन रहने वाली है, यहाँ पर लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ चाहो वहाँ जॉब कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी क्या वर्क रहने वाली है यहाँ पे वो सारी चीज़ें दे रखी है। बाकी यहाँ पे रोल ओवरव्यू भी दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो ऑल द स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आप हो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने बी ई बी टेक किया है, एम टेक किया है, एमसीए किया है एंड एमएससी किया है, सीएससी किया है, आईटी किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन अगर आप 2023 या फिर 2024 में पास आउट होने वाले हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो 23 एंड 24 वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लेना, अगर आप MBA, PG, DBM ये सारी चीज़ें आपने कोर्स कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एंड देन नोट्स में और सारी चीज़ें दे रखी है जो कि आप देख सकते हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली यहाँ पे MEMTech और BE BTech एलिजिबल रहने वाला है, कोई सा भी ब्रांच हो। तो यहाँ पे एक और जॉब नोटिफिकेशन है इनका, एक्सेंचर का ही, तो उसमें यहाँ पे अगर आपने MBA वगैरह किया है या फिर आप BSc किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो आप अप्लाई कैसे करोगे, तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक दे रखा है, तो यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन एक चीज़ और, यहाँ पे आप जाके जल्दी से अप्लाई करना, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन होता है वो जल्दी क्लोज हो जाता है। जब इनका रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तभी इनका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है, तो जाके जल्दी से अप्लाई करना। एंड देन प्रोसेस की बात करें कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे एक असेसमेंट प्रोसेस होने वाला है, मॉक असेसमेंट होने वाला है, जिसमें 20 मिनट्स के आपके मॉक असेसमेंट होने वाले हैं। एंड देन एक और असेसमेंट वन होने वाला है, जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा, जिसमें 90 मिनट आपको दिया जाएगा एंड जिसमें आपकी इंग्लिश एबिलिटी, बाकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी यहाँ पे एक और असेसमेंट होने वाला है, टेक्निकल असेसमेंट, जो 40 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके MS ऑफिस, स्यूडो कोड रहने वाला है, फंडामेंटल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड देन एक और असेसमेंट होगा जिसमें आपका C++, .NET, जावा, पाइथन, ये सारी रहेंगी। देन थर्ड असेसमेंट में आपके 30 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें और सारी चीज़ें रहने वाली है। तो आप अप्लाई जल्दी से जाके करना, क्योंकि ये कभी भी क्लोज हो सकता है। और नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है वो सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की रहने वाली है। देन यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन अगर आपके पास 11th मंथ का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर सैलरी की यहाँ पर बात करें
तो आपकी एनुअल सैलरी 3,44,200 रहेगी। देन जॉब लोकेशन मल्टीपल होने वाला है, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, वही सेम रहने वाला है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई और जयपुर। तो ये आपकी लोकेशन रहने वाली है। देन यहाँ पे अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप देख लेना कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाली है एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है। एंड देन यहाँ पे अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे BSc, BCA, BBA, BA, BCom एंड देन BMS, BBS, BFM बहुत सारी ब्रांचेज है, तो ये ब्रांचेज वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन 2023 में पास आउट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन आपका ग्रेजुएशन अगर 2024 में होने वाला है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे नोट में जो दे रखा है, वहाँ पे दे रखा है कि अगर आपने बीई, बीटेक, एमई, एमटेक किया है, एमएससी किया है और सीएस एनआईटी ब्रांच से, या फिर एमबीए भी अगर आपने किया है, पीजी डीएमबीए किया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके लिए मैंने पहले वाला जो बताया था नोटिफिकेशन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर इन सब चीज़ों से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड देन आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप अप्लाई करना है, यहाँ लिंक का अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे अगर प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो वो भी दे रखा कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपका एक असेसमेंट होगा जो कि मॉक असेसमेंट होगा। एंड देन यहाँ पे एक और असेसमेंट होगा जो कि कॉग्निटिव असेसमेंट होगा 50 मिनट का। एंड देन यहाँ पे कॉग्निटिव असेसमेंट जो 50 मिनट का होने वाला है, उसमें इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि पहले भी आपको मैंने बता दिया था। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट असेसमेंट होने वाला है जो कि 90 मिनट का होने वाला है, जिसमें आपके इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें रहने वाली है, एमएस ऑफिस। एंड देन यहाँ पे थर्ड असेसमेंट में यहाँ पे और बाकी चीज़ें रहने वाली है, तो आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अप्लाई जाके ज़रूर से करना, क्योंकि ये कभी भी क्लोज हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब नहीं है ये कि कोई डेट रहने वाला है, यहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। तो एक्सेंचर एक अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप ज़रूर से अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल होते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, एंड देन इसको लाइक ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।